नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा संघर्ष विराम, नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर मंगलवार को फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने आज सुबह 5 बजे से नौशेरा सेक्टर में 3 स्थानों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग की और फिर मोर्टार से गोले दागे। भारतीय सेना ने भी समान हथियारों का इस्तेमाल करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलीबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री बोले, मोदी ने सुझाया मिशन इनोवेशन। जब विश्व के नेता स्वच्छ ऊर्जा युक्त नवोन्मेष में तेजी लाने की वैश्विक पहल का नाम रखने पर चर्चा कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए आकर्षक नाम मिशन इनोवेशन सुझाया। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री अर्नेस्ट मोनिज ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाए नाम की बात की जाए तो हाँ, वो बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास दोगुना करने के लक्ष्य पर चर्चा चल रही थी। उस समय हमारे पास जो नाम था उसे कैबिनेट में मौजूद तकनीकी लोग पसंद नहीं कर सकते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि इसे मिशन इनोवेशन नाम देते हैं और इस प्रकार इसका नामकरण हो गया। झेलम एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतरी। जम्मू तवी से पुणे जा रही झेलम एक्सप्रेस के 10 डिब्बे आज तड़के जालंधर लुधियाना रेलखंड पर सतलुज नदी पर बने पुल के पास पटरी से उतर गए, जिससे 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को लुधियाना से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुज प्रकाश ने बताया कि झेलम एक्सप्रेस के पेंट्री कार सहित 10 डिब्बे सतलुज नदी पर बने पुल से ठीक पहले पटरी से उतर गए। हादसे के कारण अमृतसर चंडीगढ़, चंडीगढ़ अमृतसर एवं अमृतसर नई दिल्ली सहित 9 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और 3 गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।